वो पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि मैं खान साहब के पास जा रहा हूँ कहते कि यार तुम वैसे पोर्ट्रेट बनाते रहते हो तो ये भी किसी का ऑर्डर आया होगा तो तुमने उसको बना के देना है तो so, मैं उनको कहता रहा कि यार ये मैंने खान साहब को देने जाना है जब भी जाऊंगा ये खान साहब के लिए बनाया तो ये खान साहब को ही दूंगा फिर एक दो दोस्त थे जो कहते कि यार ये तुम ना हमें सेल कर दो तो मैं कहा नहीं यार ये तो खान साहब के पास ही जाना है और ये खान मैं खान साहब को ही दूंगा चाहे मुझे साल लग जाए दो साल लग ये मैं खान साहब को ही दूंगा तो वो फिर मेरे लिए एक खुशी की बात ये थी कि उनकी बर्थडे थी तो मैंने उस दिन ही उन्हें फिर ये तोहफा दिया उनकी बर्थडे पर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके शुक्रिया अल्लाम नाज़िन आपका मेज़बान अदनान ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हो आप देख रहे हैं पानी वाल न्यूज़ नाज़िन आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ सैयद वकार जाफ़री साहब से जिन्होंने खान साहब की मोहब्बत में उनका स्केच बना डाला जब ये खान साहब के बर्थडे पर उनको गिफ्ट देने जा रहे थे, इनको कनेडा से कॉल आई उनको लाखों लग करोड़ों रुपये की ऑफर हुई कि आप ये स्केच हमें दे, दे दें और दूसरा स्केच बना के खान साहब को दे दिएगा लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपये जुते की नोक पे रखे और ख़ान साहब को वो जो स्केच था वो गिफ्ट किया और ख़ान साहब ने इस उस मौके पर क्या कहा हम नहीं से जानते हैं असल वालेकुम असलम ये बताएगा कि आपको करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई तो आपने वो ठुकराया क्यों और ख़ान साहब के लिए अगर आप चाहते दूसरा स्केच भी बना सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि जो आर्ट होता है ना हमारा वो एक मतलब एक ही जो स्टार्ट में जो बनाते हैं वो हमारा फर्स्ट पीस ही होता है तो वो वैसे भी खान साहब का था कि अगर मैं दस पीस और भी बनाता तो मैंने खान के लिए ही बनाने थे और मैंने वो खान को ही देने थे चाहे उनकी भी बॉली लग जाती तो तो मैंने इसलिए खान का बनाया था और मैंने वो खान साहब को ही दिया अच्छा जब आप खान साहब के पास उस टाइम जा रहे थे तो आपके उस टाइम क्या जज्बा थे आ, पहले तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरा तो था प्लान के हम लोगों ने बनी गाला जाना है उनको देने पोर्ट्रेट तो फिर जब मुझे पता चला तो जिस रात हमने जान जाना था उससे एक दिन पहले ही ना मुझे कॉल आई कि आपने जाना है देने तो मुझे तो उस रात नींद नहीं, नहीं आई थी कि मैं खान साहब के पास जा रहा हूँ देने के लिए तो वाकई मैं सुबह जाना है देने उन्हें तो जब अगला दिन हुआ तो फिर इन शास मतलब गए वहाँ पे और वहाँ जा कर फिर उन्हें वो पोर्ट्रेट उन्हें गिफ्ट दिया अच्छा जब आप खान साहब ने वो स्केच देखा तो उन्होंने क्या कहा आपसे खान साहब के पास जब गए तो वो जब मैंने उन्हें कहा कि सर ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ तो वो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट को देखा स्माइल करके तो उन्होंने बोला कि बेल्डन तुमने वो ज़बरदस्त इसको बनाया तो फिर फिर दोबारा वो स्माइल करके तो फिर वो कहते हैं कि तुमने तो मेरी जवानी की याद ताज़ा करवा दी है इस पोट्रेट को मैं देख रहा हूँ तो उसमें मैंने उन्हें यंग बनाया था तो इसलिए शायद उन्हें लगा और उन्होंने स्माइल देके मुझे ये कहा अच्छा वो स्केच आपने बनाया कैसे था और उस पर कितना टाइम लगा था आपको वो मैंने आज से कुछ सिक्स मंथ पहले जो है ना वो उसको मैंने मतलब मेरे माइंड में था कि मैं खान साहब को बचपन से ही मैं उन्हें देखता था तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं तो फिर जब मेरे पास ये टैलेंट था आर्ट का तो मैंने कहा कि मिलने तो जाना ही जाना है तो मैं उनके लिए ना कोई गिफ्ट भी लेके कर जाऊँ तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई उनको ना अपने आर्ट आर्ट का एक तोहफा उन्हें पेश करूँ तो वो मैंने फिर उन सिलेक्ट किया उनका पोर्ट्रेट बना के ना तो वो दिया तो इसको ना सिक्स मंथ मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था तो ये वन मंथ तक मैंने इसको कंप्लीट किया था तो फिर उसके बाद मैंने ये खान साहब को दिया अच्छा जब आप जब आपके घर वाले और मतलब कि जो दोस्तों का पता चला कि आप खान साहब को आर्ट बना रहे उनके पास जा रहे तो उनका रिएक्शन क्या था वो पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि मैं खान साहब के पास जा रहा हूँ कहते कि यार तुम वैसे पोर्ट्रेट बनाते रहते हो तो ये भी किसी का ऑर्डर आया होगा तो तुमने उसको बना के देना है <स्यान> तो मैं उनको कहता रहा कि यार ये मैंने खान साहब को देने जाना है जब भी जाऊंगा ये खान साहब के लिए बनाया तो ये खान साहब को ही दूंगा फिर एक दो दोस्त थे जो कहते हैं कि यार ये तुम ना हमें सेल कर दो तो मैंने कहा नहीं यार ये तो खान साहब के पास ही जाना है और ये मैं खान साहब को ही दूंगा चाहे मुझे साल लग जाए दो साल लगें गए मैं खान साहब को दूंगा तो वो फिर मेरे लिए एक खुशी की बात ये थी कि उनकी बर्थडे थी तो मैंने उस दिन ही उन्हें फिर ये तोहफ़ा दिया उनकी बर्थडे पर अच्छा लोगों को अगर लाखों करोड़ रुपए मिलने हैं, तो वो तो कुछ भी बेच देते हैं ये तो सिर्फ स्केच था आप चाहते दोबारा भी बना सकते थे तो आपके माइंड में ऐसा क्या आया है कि नहीं यार ये लाखों करोड़ों तो दोबारा ही आ जाएंगे लेकिन ये स्केच मैंने देने ही देना मैं आ, पहले भी आपको बताया कि जो खान साहब के लिए जितने भी पोर्ट्रेट बना था ना वो मैंने खान साहब के लिए बनाए थे और उन्हीं को देने थे तो उसके लिए जो मुझे जितनी मर्जी ऑफर आती मैंने वो नहीं थे लेने मैंने खान को ही देना था पोर्ट्रेट अच्छा सिर्फ खान साहब के लिए क्यों और भी बहुत से लीडर है आप उनके लिए भी बना सकते थे सिर्फ खान साहब के आ, मैं ना बचपन से ही ना उनको फॉलो करता था जब वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं उन्हीं को देखें तो मैंने भी क्रिकेट शुरू की थी तो तब तो मैं छोटा था तो मैं उनको बहुत लाइक करता था तब तो, तो जब वो पॉलिटिशन में आए तो फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने कहा कि यार इनको ही सपोर्ट करना है क्योंकि मैं बचपन से इनको करता था तो इसलिए फिर मैंने अपना लीडर भी जो है ना इन्हीं को चुना और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वह लीडर हैं जो पाकिस्तान के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी उनके लिए बेस्ट विशेष हैं कि वो अल्लाह पाक उनको कामयाब करें कोई मैसेज देने अपने खान साहब को बस यही जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे उनको सेहत तंदरुस्ती रखे ताकि वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को एक ऊपर लेके आए और पूरे वर्ल्ड में ना एक हमारा भी नाम हो पाकिस्तान का अच्छा मुझे ये बताएगा कि आपने स्केच मतलब शुरू कब से की थी आपको बचपन से शौक़ था या आपने एज इसको चले थे uh, मैं ये बचपन से आर्ट करता था लेकिन जो प्रोफेशनली और मैंने इसकी स्टडी की है और फिर बैचलर के बाद मैंने इसको प्रोफेशनली शुरू कर दिया और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मैं मेरा एक स्टूडियो भी है जहाँ पे मैं आर्ट की तलीम देता हूँ बच्चों को और जाफरी आर्ट स्टूडियो के नाम से मेरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं देता हूँ इसी तरह मेरा फेसबुक चैनल भी है जाफरी आर्ट स्टूडियो का जहाँ पर मैं अपनी क्लासेज वगैरह देता हूँ और इंस्टा पे भी मेरा है और अगर किसी ने आपके चैनल के कि किसी ने अगर सीखना हो तो वो मेरे से रबता कर सकता है अच्छा ये बताएगा कि आपने खान साहब के अलावा और किन किन मशहूर लोगों का स्केच बनाया है। मैंने सियासतदानों के तो सिर्फ ख़ान साहब ही हैं जिनका बनाया और इलामा इकबाल कायद अजम का बनाया पोर्ट्रेट फातमा जना का बनाया और मैंने आ, जब जरब अजब चल रही थी तब मैंने वजीरिस्तान जाके तो वहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट बनाया जब आर्मी के लिए अच्छा ये बताएगा कि इसके अलावा आप और कोई मतलब मसरूफिया ये सिर्फ पूरा दिन सिर्फ़ आपने आर्ट को ही देना होता है मैं जॉब भी करता हूँ और वहाँ मैं थ्री डी की तरफ मतलब जो एनिमेशन होती हैं और डिजिटल आर्ट जो होता है ना वो मैं साथ साथ वो भी करता हूँ तो आप टाइम मैनेज कर लेते मतलब आपने अपनी जॉब को भी टाइम देना है आपने यहाँ पर भी देना है उसके बाद आपने जो स्टूडेंट्स आने उनको भी पढ़ाने टाइम मैनेज हो जाता है आपका हाँ मैं बस यही है कि पहले ऑफिस फिर वहाँ से आके फिर अपना काम करता हूँ और हफ्ता और इतवार ये जो दो दिन है इसमें मैं फिर वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए फिर उनको मैं पढ़ाता भी हूँ साथ साथ अच्छा स्केच बनाने में किन किन मतलब क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं स्केच बनाने के लिए अगर किसी का मैं जिस तरह खान साहब है तो इनकी तस्वीर थी वो मैंने देखी थी उससे मैंने इनका पोर्ट्रेट बनाया था उसके लिए आपको पेंसिल वगैरह और पेपर की जरूरत होती है जी नाजिन आपने सैयद वकार जाफरी की बात सुनी इनका कहना था कि इनकी मोहब्बत उनके लिए इतनी थी कि वो जो लाखों करोड़ रुपए थे वो कोई मैंने नहीं रखते थे और जितने भी वो स्केच बनाते थे वो सिर्फ़ खान साहब के लिए थे इस तरह के मजदूर प्रोग्राम आप आपकी खिदमत में लाते रहेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह ने